देश भर में प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे जो झाबुआ जिले में ही होते हैं, अब महू के वेटरनरी कॉलेज में डॉक्टर कर रहे उत्पादन। देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आज जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। कोरोना की वजह से मंदी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, जहां महू में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय व पशु चिकित्सा व पशुपालन महाविद्यालय महू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने का कार्य किया जा रहा है। जहां देश भर में कोरोना की वजह से मंदी के दौर में बेरोजगार युवा वर्ग व किसानों को किस तरह से पशुपालन कराकर लाभ का धंधा कराया जा सके, इसी के चलते हमारी टीम पहुंची महू स्थित पशु एवं चिकित्सा महाविद्यालय, जहां पर महाविद्यालय के डीन डॉक्टर एस के मेहता व डॉक्टर जी पी जाटव एवं डॉक्टर एम एम जमरा से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है और किसान किस तरह से इस व्यवसाय में आय की वृद्धि कर सकते हैं। विंध्य समाचार के लिए महू से सुनील काले की रिपोर्ट। हमारे पास जो वेटनरी कॉलेज में कड़कनाथ की तीन वैरायटी है, जिसमें है जेड ब्लैक जो पूरी काली रहती है, उसमें पूरा मतलब चोंच से पैर पंख पूरे काले रहते हैं। दूसरी होती है गोल्डन, उस साइड है जो गोल्डन कलर की और पेंसिल्ड है। जैसे जेड ब्लैक है, ये पूरी जेड ब्लैक है, पेंसिल्ड और गोल्डन, ये तीनों वैरायटी हम यहाँ रेयर करते हैं। इसको डीप लीटर सिस्टम में हम रखते हैं। ये डीप लीटर सिस्टम, ये लकड़ी का बुरादा है। इसकी जो थिकनेस होती है 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। ये होती है वो बहुत कम होती है दूसरे पक्षी की अपेक्षा। इसमें डिसीज रेजिस्टेंस भी होता है, टेम्परेचर मैनेज कर लेता है ये, और ये बच्चों में कम से कम 5 से 10% होता है और बड़े में 5% से ज़्यादा नहीं होता। इसको मैनेजमेंट करने को बहुत साफ सफाई अगर अच्छे रखे तो और मोर्टिलिटी कम कर सकते हैं। कड़कनाथ को लेकर जहाँ तक वेटनरी रिसर्च की बात है, तो हमने MP मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, जो हमने द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली के साथ हमने इस प्रोजेक्ट को किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम जर्म प्लान कलेक्शन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट ऑफ कड़कनाथ एंड इंडिजिनस ब्रीड ऑफ झाबुआ मध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत हमने क्या किया है कि हमने झाबुआ और अलीराजपुर से हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट से हमने अलग अलग चिक्स कलेक्ट किए और उनको हमने जाके कॉलेज में अपने पोल्ट्री में लेके हमने यहाँ इनको रेयर किया, और रेयर करने के बाद हमने उससे अंडे लिए, उनको हमने हैच कराया। तो हैचिंग कराने के लिए हमने इसको सर्वप्रथम अपने इंक्यूबेटर में रखा, जो कि 18 दिन की अवधि के लिए इसमें रखा जाता है। प्रॉपर तापमान और प्रॉपर आर्द्रता के साथ इसको हमने इसमें रखा। उसके बाद हम इसको हैचर में लेते हैं, 3 दिन वहाँ लगते हैं, और 3 दिन के बाद जब हैचर से बच्चे निकल आते हैं तो हम उनकी ब्रूडिंग करते हैं, जो कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर एक प्रयास किया है, उसी तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक नया सभी की तरफ से योगदान करने का एक मौका है हम लोगों को, जिसमें कि हम जो ग्रामीण कृषक भाई हैं और पशुपालक हैं उनको इस प्रकार से हम कुछ नई जानकारियां दे सकें, ताकि आज इस कोरोना पीरियड में जबकि सभी लोग बहुत ही आपदा में हैं, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ रही है, उसको कहां तक हम लोग दूर कर सकते हैं, ये हम लोगों का प्रयास है। और इसी संदर्भ में हमारे युवा वर्ग जो कि गाँव में मौजूद हैं, पशुपालक हैं या जो नया पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे महाविद्यालय में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वे समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं कि किस प्रकार से वो गौ पालन, बकरी पालन, शुगर पालन और मुर्गी पालन, इन सब के अंदर बैंकों से लोन लेकर अपना स्वयं का पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।